जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आइए हम समझाता हूं, आइए। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू ऑल, 2009 गोवा, मिस्टर पारिकर वॉज द चीफ मिनिस्टर, ही बैंड राम सेना। वॉज इट एन इंसल्ट ऑफ लॉर्ड राम? वॉट इज द प्राइम मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट? फॉर गॉड सेक, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया एंड दिस इज द लेवल? सो इफ बीजेपी बिट्रेज शिवसेना in Maharashtra, is it an insult to Lord Shiva? What is this? If the BJP attacks Mr. Ashok Gehlot in Rajasthan, Lord Buddha's greatest disciple was Ashoka, is it an insult to Lord Buddha? What kind of logic are we resorting to? This is illogical to the core. So my question to the BJP is, will you apologize to all the devotees of Lord Shiva because you betrayed Shiv Sena? I mean, come on. We are sitting in a state which has one of the highest literacy figures. Why are you trying to fool everyone? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शाबाश बेटा। बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।